जी हाँ दोस्तों, पहलवान सुशील कुमार के सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में फंसने के बाद सतीश गोयल ने भी इस मौके का फायदा उठाया और अपनी कहानी बयां करी थी सभी के सामने, जो एक राशन वाला है। तो ऐसे में सुशील कुमार को 4 लाख भी चुकाने पड़ सकते हैं। आप सभी को बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मांग आने पर करीब 4 लाख का राशन स्टेडियम में डिलीवर किया था छतरसाल में। उस वक्त वीरेंद्र सिंह स्टेडियम के कुश्ती कोच होते थे, जिनका बाद में तबादला हो गया। उनकी जगह पर पेमेंट की जिम्मेदारी बतौर OSD पहलवान सुशील कुमार के पास आ गई। उससे कई बार पैसों का तकादा किया गया, लेकिन पेमेंट नहीं मिली सतीश गोयल राशन वाले को। सतीश बताते हैं कि जुलाई 2020 में एक दिन अचानक पहलवान सुशील कुमार ने फोन करके सतीश गोयल को स्टेडियम में बुलाया और बोला कि पैसे नहीं मिलेंगे। जब मैंने उसका विरोध किया, सतीश गोयल ने कहा, तो अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के बाद मुझे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया, यानी कि उसके पैसे अभी तक नहीं मिले। और ये बात भी सामने आई कि पुलिस ने नहीं की थी उस समय कोई कार्यवाही। वो सारे मामले के दबाने की बात कही गई, क्योंकि उसने बताया कि साल 2020 में मॉडल टाउन थाने में मामले की शिकायत की। वे बताते हैं कि पुलिस शुरू से ही सुशील कुमार के प्रभाव में थी, इसलिए लिखित कंप्लेंट के बावजूद आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और ना ही उनके बकाया पैसे दिलवाए। तो ऐसे में दोस्तों, सतीश गोयल भी कहीं ना कहीं इन सब मामलों में अब उम्मीद इस बात को लगाए बैठे हैं कि उनके साथ भी न्याय होगा, उनको भी इंसाफ मिलेगा और उनके जो 4 लाख से ज़्यादा रुपए फंसे हुए हैं उसको भी पूरी तरीके से चुकाया जाएगा सुशील कुमार के द्वारा। क्योंकि दोस्तों, जब इंसाफ मिल ही रहा है और ये बात सामने आई है, तो सुशील कुमार पर शिकंजा कसा जा चुका और वो भी यही चाहेगा कि इस पर कोई और बड़ा आपराधिक मामला दर्ज ना हो। तो वैसे में ये भी रफा दफा करने की सोचेगा, अगर नहीं सोचेगा तो कोर्ट भी जरूर अपना फैसला इस पर सुना सकती है। ये 4 लाख बड़ी रकम होती है दोस्तों, ऐसे में सुशील कुमार को ये भी चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय छतरसाल स्टेडियम के OSD और जो पेमेंट की लेखा जोखा रखते थे वो सुशील कुमार ही थे। अब भले ही इन्हें सस्पेंड कर दिया गया सूत्रों के मुताबिक, लेकिन अब इनको ही वो कहीं ना कहीं राशि चुकानी पड़ेगी, ऐसी सूत्रों के अनुसार खबर सामने आई है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।